रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ के पास सीपीएम समर्थकों ने विभिन्न मांगों को लेकर एनएसबी रोड पर अवरोध कर प्रदर्शन किया। रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देने, आसनसोल नगर निगम का चुनाव जल्द कराए जाने और ट्रेड लाइसेंस शुल्क में कटौती समेत विभिन्न मांगों को लेकर सीपीएम द्वारा सभा की गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर एनएसबी रोड पर लगा अवरोध हटाया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध समेत विभिन्न मांगों को लेकर सीपीएम के रानीगंज एरिया कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। रविवार को राजबाड़ी मोड़ के पास सीपीएम समर्थकों ने एनएसबी रोड पर अवरोध किया। अवरोध की वजह से एनएसबी रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। रोड के दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाथों में पार्टी का झंडा लिए सीपीएम समर्थक बीच रोड पर बैठ गए थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीपीएम समर्थकों ने रानीगंज शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों के मरम्मत, सभी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी हुई शुल्क में कटौती, रानीगंज को अविलंब सब डिवीजन का दर्जा देने और आसनसोल नगर निगम का चुनाव जल्द करवाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सीपीएम समर्थकों को समझा बुझाकर अवरोध हटाया गया। बाद में सीपीएम के तरफ से सभा भी आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद एवं सीटू के जिला महासचिव वंश गोपाल चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने रानीगंज के लिए विकास के क्या काम किए हैं। उन्होंने रानीगंज की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीपीएम रानीगंज के विकास और लोगों को नगर निगम की जरूरी परिसेवा उपलब्ध करने की मांग पर लगातार आंदोलन करेगी। এখানে আগে লাল সুরকির রাস্তা ছিল, সেই রাস্তাকে ফাঁকা করা হয়েছিল। এই রাস্তা শিয়ারসোলের রাস্তা ছিল না, শিয়ারসোল কোনোদিন পৌরসভাতেও ছিল না। বামফ্রন্ট এটাকে পঞ্চায়েত থেকে তারপরে পৌরসভার মধ্যে যোগ করে রানীগঞ্জ শহরে তাদের সে অবদান। এই যে 11 সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে, 11 বিধানসভায় আমরা পরাজিত হয়ে 16 বিধানসভায় আমরা জয়লাভ করি, আবার এবার 21-এর নির্বাচনে আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু রানীগঞ্জ শহরের মানুষ বামফ্রন্টের সময়ে পৌর বোর্ড আর সরকারের যে আনুষঙ্গিক কাজ ছিল তার যা সাহায্য পেয়েছিল আজকে সেই কাজ থেকে বলছি। इस अवसर पर पूर्व विधायक रोनू दत्त, हेमंत प्रभाकर, किशोर घटक, सुप्रियो राय, नारायण बावरी समेत अन्य सीपीएम कार्यकर्ता उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।